हेलो दोस्तों, कैसे हो? वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आज हम खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। अबे सही होता, सच में? अबे इतने दिनों से कहाँ गया था बे? अबे हाँ, सच में खेलने वाले हैं भाई। ओहो दोस्तों, देखो तुम आ गए हो, तुमको बता देता हूँ, ये वाली जो वीडियो है ना, इसकी थोड़ी सी रिजोल्यूशन, मतलब कि वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी गिरी हुई मिलेगी, तो उससे आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लेना। बट दोस्तों आपको कुछ दिखाता हूँ, ये देखो दोस्तों भाई, हमारी जो है इन्वेंट्री है, इसमें जो है बहुत ज़्यादा मतलब है इंपॉर्टेंट सामान है भाई। ये इंपॉर्टेंट सामान मैं तभी इस्तेमाल करता हूँ जब मैं किसी माइन पे जा रहा होता हूँ। तो देखो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा सामान है, थोड़ा बहुत गोल्ड भी है, थोड़ी बहुत एंचेंटेड एप्पल भी है, फेंसेस, बाकी सब मेरे पास जो है इंपॉर्टेंट सामान है, ठीक है। तो आज मैं जो है माइंस पे जाऊँगा, थंबनेल देख के आए हो, और कोयला जो है ना खोद के लेके आएंगे भाई, खोद के लेके आएंगे। अरे लगता है तूने गलत सुन लिया बे, ये दोस्तों गलत सुन लेते हैं और साले मीम लगा देते हैं एडिटर्स मदर। हाँ, गाली नहीं दूंगा। ओके गाइस, देखो अभी ना कोयले की ज़रूरत मालूम क्यों पड़ने वाली है, क्योंकि भाई मेरी जो है भट्टी है। अब भट्टी भाई थोड़ी भट्टियों में यार कोयले से ही चलता है यार फर्नेस, भट्टी उस चीज़ की है। मैं ना जो है रॉ कॉपर इस्तेमाल लेके आता हूँ, और सारा रॉ कॉपर जो है मैं अपनी वेंडरवॉल्स माइंस से लेके आता हूँ। अब भाई वेंडरवॉल्स माइंस में जो है कोयले की थोड़ी बहुत कमी है, इसलिए कोयला लेने मेरे को दूसरी माइंस पे जाना पड़ता है। ये दोस्तों मेरी कुछ भट्टियाँ हैं, इसमें अभी मैं जो है कुछ रॉ कॉपर लगा देता हूँ, ताकि सुबह तक मेरे को जो है मतलब असली वाला जो विदाउट रॉ वाला जो होता है, मतलब अभी समझ रहे हो ना तुम। देखो मेरे पास बहुत सारा कॉपर है। ये सारा जो कॉपर है ना मैं अपनी वेंडरवॉल्स माइंस से लेके आया हूँ, और वेंडरवॉल्स माइंस में मालूम मेरे को बहुत सारा कॉपर मिल जाता है। और मुझे पता है तुमने वेंडरवॉल्स माइंस देखी नहीं है। अरे एक बात बता, तूने आज तक कभी वेंडरवॉल माइन हमको दिखाई है? जो हमको पता होगा। बात तो सही है। तू फिर आ गया साले, वीडियो खराब करने मत आया कर। और ये बता तू इनकी टीम में है कि मेरी टीम में? घटिया आदमी साला, पार्टी बदलने वाला। पार्टी बदल लिया साला। खैर दोस्तों आप इसे इग्नोर कर सकते हो, ये साला चूतिया है भाई, इसकी बात सुनने का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप ये देखो कि मैं ये जो ना सारा कॉपर पहले तो इसमें से निकालता हूँ, और भाई ये भट्टियों में फिट करता हूँ, ताकि ये गर्म भट्टी जो है ना इस कॉपर की टट्टी बना दे। तो दोस्तों आप टट्टी क्या बोल रहा हूँ मैं, तो दोस्तों आप भट्टी देखो और मैं जा रहा हूँ भाई सोने। ओके दोस्तों गुड मॉर्निंग, कल रात में भाई अपनी मैं फैक्ट्री पे ही सो गया था। ये फैक्ट्री है भाई, भट्टी जहाँ पे वही फैक्ट्री। तो दोस्तों अभी चलते हैं हम अपने घोड़ों के पास, मतलब एक ही घोड़ा है मेरे पास, अपने घोड़े के पास, और सीधे फिर माइंस पे चलते हैं भाई। ओके दोस्तों लेट्स गो, अपना घोड़ा जो है मैंने उठा लिया है। फिर से बोल रहा हूँ कि जो वीडियो है ना उसका थोड़ा सा रिसोल्यूशन भाई आपको गिरा हुआ मिलेगा, ताकि क्या भाई, वो फ़ोन ही थोड़ा बेकार सा था, मैं क्या करूँ अब यार। ओके गाइस, ये वाली जो है माइंस, इसमें तो भाई मैंने पहले से ही खोद खाद के रखा हुआ है सबरा सामान। इसमें तो भाई मैंने सारे जितना भाई इसमें आयरन वायरन मिलता था, जो कि मैंने निकाल निकूल के सब रख लिया, ज़्यादा भी नहीं मिला, थोड़ा बहुत मिला। बट दोस्तों आज जो है ना हम ना कोयला लेने वाले हैं, और कोयला भाई इतना निकालेंगे कि निकालते ही जाएंगे भाई, ख़त्म ही नहीं करेंगे। निकालना तो पैसा है भाई हमारा, सच बता रहा हूँ। चलो भाई सीधे चलो, नो टेंशन दोस्तों, अभी हम लोग है आ गए भाई अपनी लोकेशन पे। एंड गाइस मैं अपना जो है ना घोड़ा ना इधर खड़ा कर देता हूँ, वेट फॉर अ मिनट। ओके दोस्तों देख सकते हो ये घोड़ा, देखो कितना खुश हो रहा है भाई, मचल रहा है। बट दोस्तों मचलने से पहले देखो यार, इधर कोयला है, थोड़ा सा निकाल लेते हैं, किसी को बताना मत साले मैं कोयला चोरी कर रहा हूँ इधर। तो दोस्तों देखो, मुझे पता है रात में जॉम्बीज जो है अटैक करेंगे, और हमको बेफालतू के पंगे लेना जो है पसंद नहीं है। वैसे तो मैं अपने साथ साथ सॉर्ड वॉर्ड सब लेके आया हूँ, बट दोस्तों बेफालतू के पंगे लेना मेरे को पसंद नहीं है, इसलिए मैं एक अंडरग्राउंड बेसमेंट, मतलब कि छोटा सा कमरा बना लेता हूँ अंडरग्राउंड में ही, और सीढ़ी विड्डी लगा के भाई ऊपर वाला सिस्टम बना लेंगे, उसका कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों जल्दी जल्दी खोदते हैं और भाई एक कमरा तैयार कर लेते हैं। ये सारे पत्थर जो हैं दोस्तों अल्ट्राटेक सीमेंट से बने हुए हैं, और हमारी पिकैक्स में इतना दम है कि अल्ट्राटेक सीमेंट को भी तोड़ दे, पर अंबुजा सीमेंट को नहीं तोड़ पाएंगे भाई, उसको एक बॉडीगार्ड बिल्डिंग वाला जो है रक्षा करता है उसकी। खैर अपना भाई इतना बड़ा कमरा बहुत है, बस भाई अपने को चाहिए क्या, ये है तो बस, फिर और क्या चाहिए, थोड़ी बहुत टॉर्चेस चाहिए जो कि हम लेके आए थे, मुझे पता था इसकी ज़रूरत तो पड़ेगी, और एक बेड भी लेके आया था भाई, मुझे पता था भाई इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने एक यहाँ पर भाई बिछा दिया। सही है, अपने को यार अपनी क्राफ्टिंग टेबल लगानी होगी इधर, मस्त एकदम इधर की साइड में लगा देता हूँ, इधर ही भाई साहब लगा दी। और अब बनाएंगे भाई सीढ़ियाँ बनाने के लिए अपने को थोड़ी चाहिए प्लैंक्स, तो अपन ने ये 12 प्लैंक्स, 16 प्लैंक्स, और थोड़े से और ले लूँ क्या,
नहीं यार, 16 प्रैंक्स नहीं, अपने को स्टिक्स भी चाहिए क्योंकि सीढ़ियाँ में स्टिक्स लगती हैं। तो 12 स्टिक हो गई मेरे पास, 16 स्टिक हो गई और ये 20 स्टिक्स। ओके गाइस, अपन लोग अब मेरे को लगता है सीढ़ियाँ बना सकते हैं फुल स्पीड में। कहाँ है रे सीढ़ियाँ? ये रही भाई, 6 सीढ़ियाँ हैं, 6 ले लेते हैं, नो टेंशन। बन गई भाई सीढ़ियाँ, अब लगाते हैं इधर, देखते हैं काम वाम होता है अपना कि नहीं। सीढ़ियों को भाई साहब इधर ले लो, क्या रखा है इन बातों में, सीढ़ी ले लो हाथों में। ओके गाइस, अपन लोगों ने ये अभी क्या है रे, ये सीढ़ी है। अरे भैया ये सीढ़ी कहाँ है रे? चूतिया बनाया तुमको। सीढ़ी तो ये है, गलती से भाई मैंने वो फेंसिस ले ली थी, वो घोड़े को बांधने के लिए ले गया था यार मैं। ओके गाइस, ओके एक इधर भी लगाओ यार, नीचे का सिस्टम रह गया। ऊपर जाऊँ तो उसको लगाऊंगा, है ना, ये यहाँ पर मैंने लगा दी। ओके फाइनली गाइस, अपना घर वाला जो काम है हो चुका है, अपन लोग सीधे भाई इससे जाएंगे, नो टेंशन। सीढ़ी विड्डी अपने पास है, ऊपर वाली सीढ़ी भाई मेरे को तोड़नी पड़ी क्योंकि ये कैप नहीं लग रहा था ना, ये जो कैप है ना भाई ये नहीं लग रहा था। अब ये कैप भी लग गया और अपन लोगों का काम भी हो गया। तो गाइस अपना घर भी तैयार है, शाम भी होने वाली है और अपन लोग भाई इनसे ज़्यादा झगड़ा नहीं करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों अब करते हैं माइनिंग। तो दोस्तों वीडियो को थोड़ा लंबा करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, बट दोस्तों अब हम अपनी माइनिंग जो है स्टार्ट करते हैं। यहाँ से दो माइनिंग मैंने, मतलब दो कोयले मैंने खींच लिए। ओके गाइज, यहाँ पर बहुत सारा कोयला है, बहुत सारा भाई, बहुत सारा है सच में। ओके गाइज, यहाँ पर और मैं भाई ये सोच रहा हूँ कि ज़्यादा खोदूंगा, कहीं वेंचो पानी नहीं निकल पड़े ज़मीन से पता चले साले कुआ बना दें हम यहाँ पर। राजस्थान में भाई कुओं की परेशानी चल रही है, यहाँ साले कुओं के आषाढ़ कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं भाई। मेरे को इतना खोदने का डर लग रहा है कि भाई मैं आगे खोदूंगा तो कहीं ना कहीं भाई साहब पानी आ जाएगा भाई, क्योंकि बगल में समुद्र है भाई, ये वाला खोदूंगा तो आ जाएगा। अरे नहीं आया भाई, नहीं आया। ओके गाइस, अपन लोग बाहर चलते हैं। ये भाई मैंने गड्ढा क्यों खोद दिया? कहते हैं जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो उसी गड्ढे में गिर जाता है, बट हम नहीं गिरेंगे भाई, अपना गड्ढा है भाई, अपना गड्ढा, अपने गड्ढे में कौन गिरेगा बे, सही बात है कि नहीं। तो दोस्तों मैं सबसे पहले यहाँ पर भी आ गया हूँ, यहाँ पर जो है यहाँ पर मैं थोड़ा डर्ट लगाता हूँ, साले पानी में सिरक गया फिर कुत्ता बन जाऊँगा। तो अपन लोग आराम से यहाँ पर उतर के माइनिंग करेंगे मस्त भाई। ये वाला अपने को कोयला मिला, एक ये वाला भी कोयला मिलेगा साले, पानी में मत गिर जाइयो। ओके गाइस, ये वाला भी मिलेगा, कहाँ गया साले, ये वाला मिल गया वैसे मिल गया। ओके गाइस, अपन लोग ऊपर चलते आ रहे, यहाँ पर भी है, खोद दो भाई, जहाँ कोयला दिखे वहीं चोद दो, मतलब खोद दो। सॉरी यार तुम लोग गलत सुनते हो, तुम्हारे कानों में ठेक पड़ रही है, मम्मी से कहना मम्मी कानों में से यार थोड़ी ईयर वैक्स निकालें, या फिर डॉक्टर के पास चले जाना, मेरा नाम ले देना, नो टेंशन, यो कह देना प्रीबोज ने कही है, ठीक है, फ्री में इलाज कर देगा यार मेरा नाम सुन के। रौला है भाई रौला, दुनिया रखूँ जूतों के नीचे, आग लगा दूँ गांड के पीछे। क्या दर्द है तेरी आवाज में छोरे। थैंक यू आंटी जी ने तारीफ बहुत अच्छी कर दी। ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है, अपन लोग जो माइनिंग में ध्यान लगाते हैं, और अंधेरा होता जा रहा है तो भाई देखो मुझे पता है अंधेरे से हम कम लड़ेंगे, क्योंकि अंधेरे में यार जॉम्बीज निकलते हैं ज़्यादा और हमारी भाई फाड़ देते हैं सादा, अपन लोग क्या करेंगे, सादा सूदी नहीं फटवाएंगे। अरे दोस्तों मैं इधर कोयला खोदता चला जा रहा हूँ और साला कोयला ख़त्म नहीं हो रहा भाई, मालूम है वीडियो को मैंने बीच बीच में कट किया है इतना, साले तब भी कोयला ख़त्म नहीं हो रहा, और यहाँ पर मैंने एक और गड्ढा खोद दिया, साले कितने गड्ढे खोदूंगा मैं, किसी दिन साले अपने गड्ढे में गिर जाऊंगा। फिर गिर गया, देखो इधर भी एक कोयला है और इधर भी एक कोयला है, अब साले कहीं कोयला नहीं है, नो टेंशन भाई। फिर अंधेरा हो गया है, अपने को अपने खेमे में चलना चाहिए, मतलब अपने घर में चलना चाहिए जो अपने ने बनाया है। खैर अपने पास 60 कितने थे भाई मैं देखा नहीं, कोई बात नहीं अब नहीं देखूंगा, खोल के भी नहीं देखूंगा, अब देखना पड़ता है, 60 है भाई टोटल। ओके गाइस, मेरे को 60 कोयला मिल गया, यहाँ पर बहुत है कोयला भाई। अरे मैं फिर गिर गया यार, चढ़ क्यों नहीं पा रहा हूँ। ओके दोस्तों, रात ज़्यादा हो गई है, जॉम्बी से हम लड़ना नहीं चाहते हैं, सीधे चलते हैं अपने घर में। अबे यार मैं ऊपर से गिर पड़ा, कोई बात नहीं गाइस, अपन लोग जो है, अरे अरे ये यूमिडेट ये क्या आ रहा है बे, रेस्ट तो हम करके रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए साले, कितने भी जॉम्बी अगल बगल में हो हम रेस्ट करके रहेंगे भाई, थोड़ा अपने को आगे पीछे होके यही सोना पड़ेगा। ओके गाइस गुड नाइट। ओके वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, लेटरिंग बाथरूम करके मैं भी भाई बिल्कुल रेडी हो गया, मेरे पास ये
पॉर्क का जो है खाया हुआ हिस्सा है, तो अपन लोग और खा लेते हैं। ओहो, ये अभी जॉम्बी यहीं पर बैठा हुआ है। इसको रात में भाई मैंने कही थी, साले पानी में चले यार, साले रोशनी निकल आई तो मस्त अब दुबकने फिर रहे हैं ना साले। भैया इसकी रोशनी जो है ना हम ना ख़त्म करते हैं, रुक जाओ, इसको सूरज की रोशनी देते हैं साले, तभी जलेगा। और जॉम्बी इसको तड़पाने में भाई मेरा फुल आनंद है भाई। ये देखो पड़ी सूरज की रोशनी, साला पानी में भागेगा। चल निकल लौड़े, पानी में निकल पहली फुर्सत में तू, चल निकल साला। भाई साहब अभी भी चैन नहीं है साले, मारने आ रहे हैं। अपने बनाए हुए गड्ढे में मैं खुद गिर गया भाई, कहते अबे फिर गिर गया भाई, हैं अबे फिर गिर गया भाई। दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं तो अपने बाप गिरते हैं भाई। ये आपको पता चली ना आज, अपन को पता चल गई। तो गाइस मैं जो है ना रास्ता बनाने वाला हूँ यहाँ से लेके वहाँ जाने का। कहाँ जाने का? वहाँ दूसरी वाली पल्लंग साइड वाली पे, वहाँ पे सैंड है ना बहुत सारी, तो अपन लोग आराम से अपना घोड़ा लेके नहीं जा सकते ना, वहाँ पे पैदल पैदल जा सकते हैं, तो घोड़ा वोड़ा भी साथ में जा सके, इसीलिए भाई मेरे को ये रास्ता बनाना पड़ेगा। तुम रुको थोड़ी देर, रास्ता बना के मिलता हूँ आपसे। खैर गाइस अभी जो कुछ भी है ठीक है, अपना जो है रास्ता बन चुका है। और गाइस बारिश हो रही है बड़ी हैवीली तरीके से, बहुत तेज। और ये भाई गड्ढे में मैं यार गिरा हूँ, तो इस गड्ढे को भर भी दूँ, साले कोई और भी गिर जाएगा तो साला मुझे गाली देते हुए जाएगा। ठीक है गाइस, हमने गड्ढा भर दिया है, अपनी गलती का हमको प्रायश्चित हुए, मतलब अपनी गलती का हम क्षमा याचना करते हैं तुमसे। गड्ढा तो भाई मैंने अब भर दिया, अब मैं किसी के आगे हाथ नहीं छोड़ूंगा, बस तुम्हारे अलावा। और इधर एक और है भाई, कोयला है इधर, थोड़ा कोयला और निकाल लेते हैं एंड देन अपनी वीडियो को एंड करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मैं मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और दोस्तों ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ 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 प्लीज, यार ये वाली वीडियो को ना अपने छोटे छोटे भाइयों के साथ ना शेयर करना। और बिगाड़ूंगा नहीं भाई, मैं उनको सुधार दूंगा, चिंता मत करो। और माइनक्राफ्ट दिखाया करो उनको भी थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत अपना फ़ोन उनको चलाने के लिए दे दिया करो यार, समझा करो यार, मैं भी दे देता हूँ। अबे झूठ नहीं बोल रहा, सही बोल रहा हूँ, दे देता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत, बाय बाय फिर से। और लाइक तो कर दिया होगा तुमने वीडियो को, बाय।